यूपी के बरेली लालकुआं हावड़ा एक्सप्रेस से महिला किच्छा से प्रतापगढ़ अपने घर जा रही थी। जाते समय चलती एक्सप्रेस से चोर महिला का बैग लेकर भाग रहा था। महिला ने चोर को पकड़ा, चोर ने महिला को धक्का दे दिया। महिला चलती एक्सप्रेस से नीचे गिर गई। एक्सप्रेस चली गई। आरपीएफ ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला प्रतापगढ़ थाना मंजू के बाबूगंज निवासी राजेंद्र ने बताया, काफी समय से उत्तराखंड के किच्छा फैक्ट्री में काम करता हूँ, साथ में पत्नी बच्चे भी रहते हैं। कल शाम को लालकुआं हावड़ा एक्सप्रेस से पत्नी इंदु दो बच्चों के साथ अपने घर प्रतापगढ़ जा रही थी। बरेली जंक्शन से जब एक्सप्रेस चली, उसके पास एक लड़का आकर बैठ गया। रात लगभग 10 बजे के आसपास लाल फाटक बरेली जंक्शन के बीच में एक्सप्रेस धीमी हुई, तभी चोर बैग उठाकर भागने लगा। उसके पीछे महिला इंदु भागी, उसने चोर को पकड़ा, चोर ने महिला को धक्का दे दिया। महिला चलती एक्सप्रेस से नीचे गिर गई। महिला घायल हो गई और एक्सप्रेस में बैठे दोनों बच्चे चले गए। रात में गश्त करते हुए आरपीएफ के जवान निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन के किनारे महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है। आरपीएफ जवानों ने महिला से पूछताछ की। महिला ने बताया कि चलती एक्सप्रेस से चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा था, मैंने उसे पकड़ा, उसने मुझे धक्का दे दिया, चलती एक्सप्रेस से नीचे गिर गई और चोर बैग लेकर भाग गया। उसमें 5,000 रुपये, पायल, आधार कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड था। आरपीएफ पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। परिवार वाले अस्पताल में पहुंच गए। बिंदु, कैसे घटना हुई, क्या हुआ था पूरी बात? अरे वो मेरे बार बार आगे बैठ रहा था पास में, तो मेरे बैग के चक्कर में था, तो मैं उठ के खड़ी हूँ, बैग मेरा छीनने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके पास में आगे खड़ी हो गई। उसने मुझे धक्का दे दिया था, मैं गिर गई थी, मुझे पता नहीं था। फिर पुलिस ने कैसे मुझे यहाँ तक पहुँचाया, कैसे क्या धक्का लेके भाग रहा था, बैग लेके भाग रहा है। हाँ, क्या क्या था बैग में? बैग में कपड़े सारे, ढेर सामान थे, मोबाइल था, पैसे थे, ढेर सारा सामान था मेरे पर्स में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।